ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। देखते हैं आज जाते हैं या नहीं अब्दुल बारी। आएंगे, हो सकता है वाकई में कुछ जरूरी काम रहा होगा, तभी तो अब्दुल बारी नमाज के लिए हमारे साथ नहीं आ रहे। पता नहीं, लेकिन वो एक हफ्ते से ऐसा ही कर रहे हैं। कभी एक बात तो कभी दूसरी बात कहकर हमें भेज देते हैं, और बाद में मस्जिद में भी नजर नहीं आए। आ भी रहे हैं तो देर से आ रहे हैं। वही तो ताज्जुब की बात है, अब्दुल बारी ही तो हमें हमेशा अच्छे काम, दुआ, नमाज की तरफ बुलाते हैं, और अब वो खुद दूर हो गए ऐसा लगता है। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल बारी, नमाज नहीं आ रहे? वालेकुम अस्सलाम। वक्त तो देखो, तुम तो हमेशा वक्त से पहले नमाज के लिए आ जाया करते हो। वो मैं बस तैयार ही हो रहा था। तो अब चलो हमारे साथ। तुम दोनों जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, चलो सरफराज, हम नीचे इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है, आता हूँ। ये अब तक नहीं आए, 15 मिनट बचे हैं, हमें सुन्नत नमाजें भी पढ़ना है। इसी तरह वो देर करते हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है अब्दुल बारी को। अब्दुल बारी को क्या हुआ है, क्या कह रहे हो तुम सरफराज? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपा, दरअसल अब्दुल बारी कुछ दिनों से ठीक से टाइम पर नमाज नहीं आ रहे। हमें तो लगा जैसे वो बहाना करके हमें टाल रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, वो आ गए अब्दुल बारी। चलो नवेद, सरफराज, आपा हम नमाज पढ़कर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब्दुल बारी क्या बात है जो तुम आजकल नमाजों में कोताही कर रहे हो, देर से जा रहे हो? आपा मैं खुद भी परेशान हूँ इस बात को लेकर, आजकल मुझे बहुत सुस्ती सा लग रहा है, मैं चाहकर भी नमाजों और इबादतों में दिल नहीं लगा पा रहा। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें कोशिश जारी रखना चाहिए कि तुम वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज व दीगर इबादत करो। मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ होता है और मैं या तो देर हो जाता हूँ या मिस हो जाती है नमाज। देखो, ये उस वक्त होता है जब हमारा ईमान का लेवल कम होता है, और ईमान कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में अगर हम सुस्ताएं तो शैतान और ज़्यादा वसवसा देता है, ताकि हमारी गफलत आदत में तब्दील हो जाए और हम अल्लाह से दूर हो जाए। शैतान ऐसे भी वसवसा देता है आपा? ये तो अच्छा है कि अब्दुल बारी को एहसास है इस बात का, लेकिन इस एहसास के रहते रहते ही हमें जबरन खुद को अल्लाह की तरफ रुजू करना है, वरना धीरे धीरे ये एहसास भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही बुरा होगा कि हम अल्लाह से अपनी फ़राइज़ इबादतों से दूर हो जाए। बिल्कुल, हमें शैतान से उसके वसवसों से लड़ना होगा, और जब कभी ऐसा लगे कि हमारा ईमान का लेवल नीचे जाते नजर आए, तो कोशिशों के साथ साथ फौरन अल्लाह से खूब दुआ करना चाहिए। ऐसे में भी दुआ करना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाती हूँ, इसे हर वक्त हर नमाज के बाद भी पढ़ा करो। तब तो आप मुझे पढ़ाइए आपा, कहीं मैं और ज्यादा सुस्ताने ना लग जाऊँ। ये दुआ कुरान की आयतों में से है। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ तो अम्मी ने मुझे याद कराए थे, मुझे नहीं मालूम था इसे पढ़ना चाहिए, इसके मायने क्या है आपा? इस दुआ में हम कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद, यानी हमें सीधा रास्ता दिखाने के बाद, हमारे दिलों को हिदायत से ना मोड़ दे, मतलब सीधे और सच्चे रास्ते से दिलों को ना फेर दे, और अपनी बारगाह से हमें रहमत अता फरमा, बेशक तू बड़ा देने वाला है। अच्छा, तो हम इस दुआ में अल्लाह से ये मांगते हैं कि वो हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर ही रखे, हमसे हिदायत छीन ना जाए। तो क्या अल्लाह खुद दी हुई हिदायत हमसे वापस ले लेते हैं? अल्लाह सिर्फ उन्हें ही गुमराही पर छोड़ देता है जो अपनी सरकशी, मतलब अपने गलत तरीकों पर कायम रहना चाहते हैं। ऐसे लोग हकीकत में अपने से ही खुद को हिदायत से दूर कर लेते हैं। तब तो मुझे इस दुआ को बार बार पढ़ना है, ताकि अल्लाह की मदद और रहम से मेरा दिल हिदायत पर कायम रह सके।
जजाक अल्लाह खैर आपा, अब हमें जल्दी जाना होगा, जमात शुरू होने को बहुत कम वक्त बचे है। ठीक है, जाओ और पढ़ते रहो इस दुआ को। आओ नवेद सरफराज, तुमने बोले थे तुम्हें ये दुआ आती है, मस्जिद पहुँचने तक तुम हमें ये दुआ पढ़ा दो, हम भी याद कर लेंगे। ठीक है, मेरे साथ पढ़ो। रब्बना ला तुझे कुलू बना, रब्बना ला तुझे कुलू बना, बाद इद हदैतना, बाद इद हदैतना, वहब लना मिन लदुनका रहमा, वहब लना मिन लदुनका रहमा, इन्नका अंतल वहाब, इन्नका अंतल वहाब। ये तो अब्दुल बारी।